Hello students, welcome back to my channel e-learning accounts and maths. So student, I am carrying question number 25 of exercise 15b, that is volume surface area of solids. So question here, a well with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter deep, earth taken out of it, it is spread all around to width of 7.5 meter to form an embankment. Find the height of embankment. So student, इस question में कह रहा है एक well है जिसका अंदर का जो diameter है वो 10 meter है, is dug 8.4 meter deep. एक well मतलब कुआं होता है student. तो एक well है जिसका अंदर का जो diameter है, जैसे ऐसे ही well है. वेल क्या होता है, सिलेंडरिकल शेप का होता है, तो ऐसा ही होगा सिलेंडरिकल शेप का होता है अंदर का, जिसका अंदर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 10 मीटर है और इज डग 8.4 मतलब गहराई पे उसको खोदा गया है. 8.4 मतलब की गहराई पे इसको डीप है, 8.4 मीटर की गहराई पे इसको खोदा गया है. और कह रहा है अर्थ टेकन आउट ऑफ इट्स स्प्रेड ऑल अराउंड टू विथ ऑफ 7.5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट. स्टूडेंट, इसमें एम्बैकमेंट की बात करें. एम्बैकमेंट क्या होता है, एक वेल कुआं होता है जिसके साइड में होता है, उसको हम कहते हैं एम्बैकमेंट. साइड में ऐसा बना होता है जिसको हम कहते हैं एम्बैकमेंट. तो हम क्या निकालना है, हमको एम्बैकमेंट की हमको हाइट निकालनी. जैसे ये वेल है और ये साइड में इसके एम्बैकमेंट है, वेल एम्बैकमेंट. तो देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है ये वेल. तो हम क्या करना है स्टूडेंट, पहले कि अंदर का डायमीटर इसका 10 मीटर है और 8.4 मीटर गहराई पे इसको खोदा गया है. तो अंदर में जब इसको खोदा गया होगा तो अंदर इसके क्या होगा, अर्थ मतलब यहाँ पे सॉइल की बात कर रहा है, इसमें. तो हम निकालेंगे, जब इसके अंदर की बात करें तो अंदर का हमेशा वॉल्यूम निकालते हैं. तो कुएँ के अंदर जब उसको खोदा गया होगा तो खोदने तो सॉइल होगा इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे हम. यहाँ पे अर्थ मतलब सॉइल की बात कर रहा है. अब देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर 10 डायमीटर दिया हो तो डायमीटर 10 इंटू रेडियस में कन्वर्ट करेंगे कितना क्या हो जाएगा, 5 × 5 और हाइट डीप मतलब गहरा 8.4, ये हमारी हाइट है. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकल जाएगा हमारा. सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा 14 हो गया. अब हम इसको इंटू करते हैं, 5×5 × 1.2 से इंटू करते हैं. 5×2 ज़ा 10, 5×2 ज़ा 10, 11, 5×2 ज़ा 4, 2×2 ज़ा 4, 0415, 415, 550 इंटू 1.2 से इंटू करते हैं कितना आता है, 0, 5×2 ज़ा 10, 5×2 ज़ा 10, 11, 0, 5×5, 5×5, 0, 0, 5×6, 5×6. ये पॉइंट यहाँ लगाते हैं, 660. ये अब ये क्वेश्चन मीटर में है और वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब होता है इसका, यूनिट इसके क्यूब होती है, तो मीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ गया. अब क्या रहा है स्टूडेंट, हाइट ऑफ एम्बैकमेंट निकालना है. एम्बैकमेंट की हाइट निकालनी है. जब हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाले हैं तो अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ जब निकाले हम तो उसके साइड का क्या निकालें, इसका साइड का भी तो वॉल्यूम निकालेंगे. कितने एम्बैकमेंट को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम लगा है उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे. जब अर्थ का वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट, इसमें रेडियस नहीं दिया, इसमें रेडियस की जगह क्या दिया, विड्थ इसका, इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर दी हुई है. डायरेक्ट डायमीटर नहीं दिया, डायरेक्ट यहाँ पर डायमीटर नहीं लिखा है, विड्थ लिखा है. जब भी ऐसे कुछ लिखे तो स्टूडेंट आप क्या कर लीजिएगा, रेडियस हमारा यहाँ पे कितना दिया था, 5 दिया था,
जब भी डायरेक्ट डायमीटर नहीं दिया हो, विड्थ दिया हो, तो आप क्या करेंगे, 7.5 इसका विड्थ को पहले वाले के रेडियस से प्लस कर लेंगे। 7.5 प्लस पहले का रेडियस कितना था, 5 था। इसका डायमीटर निकालने के लिए डायरेक्ट डायमीटर दिया, विड्थ दिया हुआ है, इसलिए हम इसका विड्थ को पहले वाले के रेडियस से प्लस कर दे रहे हैं, तो हमारा रेडियस 2 आ जाएगा। 5 × 10 ये हो जाएगा 7.5 + 5, तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। 5 + 0 5, 7 + 5 12, बीच में पॉइंट 12.5 मीटर हमारा रेडियस होगा। अब इसका भी रेडियस मिल गया, अब हम निकाल लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, जब अंदर का वॉल्यूम निकाले हैं तो बाहर के एम्बैकमेंट बनाने में कितना वॉल्यूम लगा है, उसका कितना, तो उसका भी वॉल्यूम निकालेंगे, बाहर वाले का वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट निकालेंगे, उसका रेडियस निकाल चुके हैं हम और हाइट निकालनी है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक्सटर्नल या इंटरनल रेडियस दिया होता है, जैसे यहाँ पे अंदर का रेडियस और बाहर के रेडियस अलग निकाले हैं। अंदर का रेडियस मतलब इंटरनल रेडियस, बाहर का रेडियस मतलब एक्सटर्नल रेडियस। जब भी यहाँ कोई भी क्वेश्चन एक्सटर्नल रेडियस या इंटरनल रेडियस दिया हो, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्सटर्नल रेडियस को इंटरनल रेडियस से माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर। जब भी क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस दिया हो, तो हमेशा हम एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, एक्सटर्नल को इंटरनल से माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल का स्क्वायर माइनस इंटरनल का स्क्वायर और एच, तो पाई मतलब 22। अब देखिए आर टू स्क्वायर, पहले एक्सटर्नल लगते हैं उसके बाद इंटरनल लगते हैं। आर टू स्क्वायर मतलब आर टू ये है 12.5 का होल स्क्वायर माइनस आर वन हमारा कितना निकला था, अब आर वन हमारा 5 था, 5 का होल स्क्वायर, और एच हमारे नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 22। अब 12.5 का हम स्क्वायर रूट निकाल, 12.5 का स्क्वायर निकालते कितना निकलता है, 12.5 12.5 5 × 25 5 × 10 11 12 5 × 5 6 5 × 10 2 × 4 5 2 × 2 5 × 5 2 × 2 1 1 1 5 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 4 5 1 1 2 1 2। ये आ गया हमारा 12.5 का होल स्क्वायर, 156.25 माइनस 5 का, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, फिर एच फाइंड करना है 22। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 15, 156.25 को 25 से माइनस करें कितना हो जाएगा, 5 2 6 5 गया 1, 5 × 2 गया 3 1, ये आ गया हमारा 131.25 और एच। अब हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट, जब भी इससे पहले वीडियो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 20 में, कि जब भी कोई क्वेश्चन में तो दो शेप की बात कर रहा, जिसका अगर दो शेप की बात करे और उसमें फाइंड करना हो हाइट रेडियस कुछ भी फाइंड करना हो, तो डायरेक्ट हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वॉल्यूम ऑफ पहले शेप का, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड शेप का। इसमें भी हम क्या करें, दोनों का वॉल्यूम निकालना था और हाइट पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के फॉर्मूले से, इसमें भी हमको वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट फॉर्मूले पुट करके क्वेश्चन फाइंड करना, क्योंकि इसमें भी हाइट पूछ रहा है और दोनों में वॉल्यूम निकालना है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट। आप ऐसे पुट करके निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग पुट करके निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमने कितना निकला था, 660 निकला था, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट कितना निकाले हैं, 22/7 131.25 हाइट एच। अब हाइट फाइंड करने के लिए ये सब वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 660 इज इक्वल टू अरे इंटू
जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा. 7 22 131.25 इज इक्वल टू h. अब देखिए सॉल्व करते हैं. 11 2 24 22, 11 6 66 0, ये हो जाएगा 2 3 6 0, ये हो जाएगा 14 7 3 21. 30 × 7 कितना हो जाएगा 21 0, ये नीचे वाला 131.25 इज इक्वल टू एच. अब इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा. पहले पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, पॉइंट हटाते हैं. पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से इंटू करेंगे क्योंकि पॉइंट दो नंबर के बाद लगा है. 131.25 इज इक्वल टू एच. अब इसको हम 5 से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट. 5 2 10 0, 5 2 10, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25. फिर 5 से करते 5 4 20, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25. फिर ये 5 से ये 5 से जाएगा, ये तो होगा नहीं, हो रही है तो 5 5 0, 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10. अब ये किससे सॉल्व होगा, 3 से, 3 3 9, 3 5 15, हाँ 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 3 6 9, 3 4 12. तो हम करते हैं इसको 4 4 16, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 5 35. अब ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकते, इसके लिए हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है. इज इक्वल टू एच. 35 और 56 को 35 और 35, 6 5 1, 5 3 2, 35 35 7 35 4 5 20 13 35 6 5 30 7 6 18 19 20 21, 35 6 210 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया एच इज इक्वल टू 1.6 मीटर. ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है. If you like my videos, then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.